भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, जिसको सुधारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए थे। लेकिन अब अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने सरकार के लिए खजाना खोल दिया है। रिजर्व बैंक ने अपने खजाने से सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए की रकम देने का फैसला किया है, जिससे आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रही सरकार को इकोनॉमी पटरी पर लाने में थोड़ी मदद मिलेगी। सवाल ये है कि सरकार इस रकम का क्या इस्तेमाल करेगी। सार्वजनिक बैंकों का पूंजीकरण करने में एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए खर्च होगा। वहीं नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी और नबार्ड जैसी एजेंसियों की पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार अपनी उधारी कम करने में इसका इस्तेमाल कर सकती है। कैश की कमी के चलते मंदी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि आरबीआई के तोहफे से सरकार की मुश्किलें कुछ कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट R19।